देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और स्वागत है आपका क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी कि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर 1 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो खुद से खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उनके दो मोड होते हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो वो प्लांट्स खा लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस को मिलाकर, हम सबको मिलाकर, सब ऑर्गेनिज्म प्लस ह्यूमंस, तो वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म प्लस ह्यूमन, जो अपना खाना खाते हैं उन्हें खाने की किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? उन्हें खाने की 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले ग्रोथ करने के लिए, सेकंड रिपेयर, कुछ डैमेज हो जाता है तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, या फिर बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, और तीसरा फंक्शनिंग, जो भी हम काम करते हैं, जो हमारे अंदर होता है डाइजेशन सब कुछ, उस सभी की फंक्शनिंग के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। मींस खाने के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए होती है, ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, फिर आता है मोड ऑफ इनटेक, और थर्ड आता है यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। 3 है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब इसके आगे की चीज देखते हैं। अब एक बार फिर से चैप्टर 1 को रिकॉल करो। उसमें हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, यानी कि फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या होते हैं ये, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। इसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है ये हम इनटेक करते हैं, लेकिन ये इसी फॉर्म में जो है डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है यूटिलाइज करने के लिए। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यही है डाइजेशन, क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स हैं इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, वही प्रोसेस है डाइजेशन का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब सभी एनिमल्स के अलग अलग मोड होते हैं इनटेक करने के फूड को। जैसे कि जो बीज और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो नेक्टर जो है सक करती हैं प्लांट्स का या फिर फ्लावर्स का, और जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमन के, एनिमल्स के, वो मदर के मिल्क पर फीड करते हैं, और जो स्नेक्स हैं जैसे पाइथन, वो अपने प्रे यानी कि दूसरे एनिमल को स्वॉलो करते हैं, और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पास में फ्लोट करते हुए छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पर फीड करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, आपको इस पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन से एनिमल किस तरीके का खाना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं, यानी कि किस तरीके का खाना खाते हैं और किस तरीके को यूज़ करते हैं खाने को खाने के लिए, जैसे कि सकिंग, स्वॉलोइंग और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यही आपका आज का टास्क है।
अब हम एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा फैक्ट जानेंगे कि जो स्टारफिश होती है वो ऐसे एनिमल्स पर फीड करती है जो कि हार्ड शेल से कवर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने। उनके शेल किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे बने होते हैं शेल्स? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो खाती कैसे है? वो सबसे पहले उस हार्ड शेल को खोलती है, उसके बाद उसका जो स्टमक है वो उसके माउथ के अंदर से पॉप आउट करता है, मींस माउथ के अंदर से बाहर निकलता है, और जो शेल के अंदर का सॉफ्ट एनिमल होता है उसको स्वॉलो कर लेता है। उसके बाद स्टमक वापस अंदर चला जाता है और धीरे धीरे जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।